हेलो अभिषेक सर, आई हैव गॉट 80% इन कैट. कैन आई गेट इन टू आई एम अहमदाबाद, बैंगलोर और कैलकटा? फ्रेंड्स, यू कैन गेट इन टू आई एम अहमदाबाद, बैंगलोर और कैलकटा विथ एन 80% एज वेल, 83% एज वेल. RTI रिपोर्ट के हिसाब से 2018-22 में एक्चुअली द लीस्ट परसेंटाइल दैट एन NC OBC कैंडिडेट हैज गॉट एडमिशन इन आई एम बैंगलोर. NC OBC कैंडिडेट आई एम बैंगलोर में 2018-2020 के टाइम पे द लोएस्ट परसेंटाइल वॉज 83.94%. सो फ्रेंड्स, देर आर फोर कैटेगरीज इन कैट. जब आप कैट का फॉर्म भरते हो तो चार पांच कैटेगरीज आती हैं. चार तो आती ही हैं, जनरल, NC OBC, SC ST. तो इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम अ जनरल कैटेगरी, इफ़ यू आर फ्रॉम OBC, SC और ST कैटेगरी, तो OBC का 83.94% में आई एम बैंगलोर हो रहा है, तो SC ST का तो और कम में होता होगा. आई एम श्योर 78-75% में भी होता होगा, प्रोवाइडेड यू हैव अ वेरी गुड प्रोफाइल. तो आई एम बैंगलोर का जो एडमिशन क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया अगर आपका फुलफिल करता है, जैसे 10-12 कॉलेज में अच्छे मार्क्स हैं आपके, तो एक्चुअली एक NC OBC कैंडिडेट हैज गॉट एडमिशन इन 83.94%. सो फ्रेंड्स, ये बात आप ये जान लो. आई एम रायपुर एंड एन लास्ट परसेंटाइल फॉर एन NC OBC कैंडिडेट वॉज 78%. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे तो SC ST का 70% में भी एडमिशन हो जाता होगा अगर आप NC OBC हो तो. सो यस फ्रेंड्स, फर्स्ट आइडेंटिफाई इफ यू आर फ्रॉम एनी कैटेगरी बिफोर फिलिंग द कैट फॉर्म. उसके बाद इफ यू आर फ्रॉम NC OBC और SC ST कैटेगरी, देन यू कैन गेट इन टू IIM विथ एन 80% एज वेल. न्यू IIM लेस देन 80%, BPIM लेस देन 80%, एंड ओल्ड IIM 80-85% में आपका एडमिशन हो जाएगा. ये RTI फिगर्स मेरे पास है, क्वेश्चन के साथ मैंने लिख रखा है, इसमें डाला है. IIM बैंगलोर ने खुद खुलासा किया है. सेकेंड क्वेश्चन, अ लॉट ऑफ पीपल हैव आस्क्ड मी, अभिषेक सर, आई हैव सीन वन ऑफ योर वीडियोज wherein you've said that mostly operations is taken by engineers. I am an engineer, so should I take operations specialization? Friends, 80% of the students in top B schools will be engineers. तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सबको ऑपरेशन ही ले लेंगे. नहीं बाबा, ऑपरेशंस के जो कॉलेजेस हैं, नीटी, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, जहाँ पे ऑपरेशन ज़्यादा ऑफर होता है, वहाँ पे इंजीनियर्स ही आते थे पहले. अभी वो नॉन इंजीनियर्स को भी लेने लगे हैं, पर जेन्युइन इंजीनियर्स ही आते थे. क्यों मुझे नहीं पता. ऑपरेशन से सब्जेक्ट थोड़ा इंजीनियर्स पसंद करते हैं, थोड़ा इंजीनियर्स के टाइप का होता है, बट मैक्सिमम लोग ही इंजीनियर्स होते हैं भाई, जो बी स्कूल में जाते हैं, टॉप बी स्कूल में जाते हैं, तो वो लेते ही हैं, करते ही वो कंसल्टिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग करते ही हैं, HR भी करते ही हैं. सो नो, इफ़ यू आर एन इंजीनियर देन यू शुड, ऐसा नहीं कि आपको ऑपरेशन से करना है. एंड इफ यू आर नॉन इंजीनियर, तो ऐसा भी नहीं कि आपको ऑपरेशन से करना है. आप मेरा वीडियो देखो, विथ स्पेशलाइजेशन यू शुड टेक, उसमें आपको पूरा डिटेल में बताया मैंने, किसे HR लेना है, मार्केटिंग लेना है, ऑपरेशंस लेना चाहिए, फाइनेंस लेना चाहिए. एक और क्वेश्चन बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है, आई एम एन इंट्रोवर्ट, सो शुड आई टेक अप सेल्स और मार्केटिंग? फ्रेंड्स, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट तो हम अपने पर्सनल लाइफ में रहते हैं. मैं अपने पर्सनल लाइफ में कैसा हूँ आपको नहीं पता होगा. शाहरुख खान अपने पर्सनल लाइफ में कैसा है आपको नहीं पता होगा. वो शाहरुख खान अपने कैमरा लाइफ में, अपने पब्लिक लाइफ में बहुत विटी है, बहुत हार्डवर्किंग है, ऑफकोर्स अपने प्रोफेशनल लाइफ में. तो आप सेल्स और मार्केटिंग ले रहे हो तो आपको प्रोफेशनल लाइफ में बोलने की ज़रूरत है. अगर आप इंट्रोवर्ट हो पर नहीं आपको स्टेज दिया जाता है, काम दिया जाता है, तो आप बोल सकते हो, तो आपको सेल्स मार्केटिंग लेना चाहिए. इफ़ यू लाइक इंटरेक्टिंग विद पीपल, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट हो, आपको लोगों ने मौका ही नहीं दिया होगा अभी खुलने का, मे बी बहुत परिस्थितियाँ होंगी. योर पर्सनैलिटी स्टिल शेप्स इन योर 20s. तो अगर आपको बोलने का शौक है, अगर आपको लोगों से इंटरेक्ट करने का शौक है, अगर आपको मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट है, तो आप मार्केटिंग लो. अभी मत गेज कर लो कि भाई मैं इंट्रोवर्ट हूँ या मैं एम्बीवर्ट हूँ या मैं ये हूँ, तो मैं सेल्स मार्केटिंग नहीं लूँगा. नहीं, इंटरेस्ट पे जाओ. अनदर क्वेश्चन इज, विच कमिटी आई शुड गेट इनटू टू गेट हायर प्लेसमेंट्स? शुड आई गेट इनटू प्लेसमेंट कमिटी? मिथ है लोगों का कि प्लेसमेंट कमेटी में होने से हायर प्लेसमेंट्स मिलता है. मैं आपको बताता हूँ प्लेसमेंट कमेटी में मिलने से क्या क्या फ़ायदा होता है. जब आप प्लेसमेंट कमेटी में होते हो तो आप ही मेहनत करते हो, कंपनीज को बुलाते हो, और आप ही CVs देते हो बच्चों की, उनको आप बच्चों को कंपनी से जोड़ते हो, प्लेसमेंट कराते हो बच्चों का. लेकिन इसके नुकसान भी है, क्योंकि आप इतना टाइम प्लेसमेंट कमेटी में दे रहे हो, दिन के 3-2 घंटे दे रहे हो, तो आपके मार्क्स बहुत कम आते हैं. मतलब कि आपके कंसेप्ट भी हो सकता है क्लियर ना हो. इंटरव्यू में कुछ तो क्वेश्चन पूछेंगे ही वो, मार्क्स डू नॉट मैटर मच, बट इंटरव्यू में कंसेप्ट तो पूछेंगे वो. कोई ऑपरेशन की कंपनी सप्लाई में क्वेश्चन पूछेगा भाई, कोई फाइनेंस की कंपनी फाइनेंस का क्वेश्चन पूछेगा भाई. तो दोस्तों, मतलब
प्लेसमेंट कमेटी में रहने से मार्क्स कम आते हैं, प्लेसमेंट कमेटी रहने से आप कंपनीज को बुलाते हो तो आपको पता पड़ता है कि कंपनी को क्या चाहिए, कंपनी से आप बात कर रहे हो एचआर से तो आपका डर चल जाता है इंटरव्यू में बैठने का, कॉन्फिडेंस आता है। इसमें सेल्स टाइप का जॉब होता है क्योंकि आप कंपनी को फ़ोन करते हो, बोलते हो सर आइए हमारा न्यू आई एम है, आइए हमारा ओल्ड आई एम है पर आप आ नहीं रहे हो 5 साल से, आइए, तो सेल्स की भी हार्नेस हो जाता है। तो इंटरव्यू अगर सेल्स मार्केटिंग का है तो आप इजीली अपने आप को सेल कर सकते हो। तो कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान है, ऐसा कहीं स्टैटिस्टिक नहीं है कि प्लेसमेंट कमेटी वाले हाई प्लेसमेंट से जाते हैं, बट जनरली जो प्लेसमेंट कमेटी में होते हैं वो खुद ही अच्छे होते हैं क्योंकि प्लेसमेंट कमेटी का सिलेक्शन इतना टफ होता है कि ओनली द बेस्ट ऑफ द बेस्ट गेट इनटू प्लेसमेंट कमेटी एंड दैट्स व्हाई दे गेट हाई प्लेसमेंट्स। इफ दोज बेस्ट ऑफ द बेस्ट वुड नॉट हैव गॉन टू प्लेसमेंट कमेटी आई बिलीव इवन देन दे शुड हैव गॉट हाई प्लेसमेंट्स। सो नो, गेटिंग इनटू प्लेसमेंट कमेटी डज नॉट इंश्योर यू विल हैव हाई प्लेसमेंट्स, जनरली गुड पीपल गेट इनटू प्लेसमेंट कमेटी एंड दैट्स व्हाई दे गेट हाई प्लेसमेंट्स। अभिषेक सर, आई वॉन्ट टू डू फैमिली बिजनेस, शुड आई डू एन MBA? यार इसका मैं क्या जवाब दूँ यार, बताओ। MBA कब करते हो आप? 25 साल, 23 साल, 22 साल, उसके नीचे ही करते हो राइट? 21 साल, 22 साल। तो बिजनेस तो यार लोग बाद में करते हैं, आपका फैमिली बिजनेस है तो आपको अंत में करना ही है, बहुत लोगों को करना है, पर आपका एक उम्र है MBA करने का, तो कर लो। आप MBA में बहुत चीज़ सीखोगे जो काम आएगा। अब बहुत लोग बिना MBA के भी फैमिली बिजनेस अच्छा चलाते हैं। अब मेरे पापा का टेक्सटाइल्स का शॉप है, तो उस टेक्सटाइल्स की शॉप में MBA की पढ़ने जरूरत है नहीं, पर अगर मैंने MBA किया हुआ है तो हाँ यार मैं बहुत चीज़ें डिटेल में जानता हूँ तो मैं उसको स्केल कर सकता हूँ। लोग बिना जाने भी अच्छा स्केल करते हैं टेक्सटाइल शॉप की। तो आपका क्या फैमिली बिजनेस है, उसमें MBA कितना ज़रूरत है? और MBA के बिना भी लोग अच्छा करते हैं, धीरू भाई हमारी ने आई डोंट थिंक MBA किया होगा, तो MBA के बिना भी बिजनेस तो लोग स्केल कर ही देते हैं भैया, धंधा के लिए डिग्री नहीं चाहिए। बट आपका उम्र सही है, आपको MBA करने का मन है, आपको उस वक्त फैमिली बिजनेस में नहीं घुसना है तो MBA करो यार, तो यही इसका आंसर है। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। आई एम अ बॉय, शुड आई डू HR एज जनरली गर्ल्स टेक HR? फ्रेंड्स अगेन स्टीरियोटाइप कैसे कर सकते हैं? HR जनरली गर्ल्स लेती हैं, HR में कुछ स्किल्स हैं जो वुमेन अच्छा करती हैं, जैसे नर्चरिंग स्किल्स, केयरिंग स्किल्स, ये सब चाहिए HR में। पर अगर आप में भी वो स्किल्स हैं, आप में भी HR में इंटरेस्ट है तो HR करो ना यार। आजकल अब कुकिंग मैं करूँ या नहीं, क्योंकि मैं लड़का हूँ, वो अ लॉट ऑफ गुड शेफ्स, यू नो द बेस्ट शेफ प्रॉब्ली इन इंडिया इज अ मेल, तो अब ऐसे थोड़ी जवाब दे सकते हैं भाई। आपको जो पसंद है आप वो करो, आप अच्छा करोगे तो या पैसे कमाओगे, पैसे कमाओगे तो रिस्पेक्ट आएगा, आपका फैमिली अच्छे से जिएगा। तो जो आपको पसंद है वही करो। स्टे सेफ, टेक केयर।